समस्त मात्र शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। इसकी पूजा विधि और इसका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करेंगे, भगवान विष्णु जी की असीम कृपा उन्हें मिलेगी और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा को श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन रहेगा। इस दिन विशेष योग बन रहे हैं। एकादशी की रात्रि को 12:03 तक आयुष्मान नाम का योग रहेगा। तो भारतीय संस्कृति में किसी की दीर्घ आयु के लिए उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया जाता है। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करते हैं। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। इसके साथ ही देर रात्रि 2:13 से शुरू होकर के 1 दिसंबर के सूर्योदय तक द्विपुष्कर नाम का योग रहेगा। ऐसा माना जाता है कि द्विपुष्कर योग में कोई भी काम करने से 2 गुना फल मिलता है। तो एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 30 नवंबर 2021 मंगलवार को प्रातःकाल 4:14 से आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 नवंबर की रात्रि 2:13 पर। पारण की तिथि रहेगी दिनांक 1 दिसंबर 2021 को प्रातःकाल 7:14 तक पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु जी से हुआ था और मार्गशीर्ष मास की एकादशी के दिन ही यह प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ था। तो पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है और मोक्ष फल की भी प्राप्ति हो जाती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली होती है। तो आइए अब हम जानते हैं एकादशी किस तरह प्रकट हुई थी और उसके पीछे क्या कथा है। तो पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप हर महीने पड़ने वाले एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन ही भोजन नहीं करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान लगा करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद आप अच्छे वस्त्र धारण करें और एक पटले के ऊपर एक लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर विराजित करें। गंगा जल से छीटा दे करके पवित्र करें। धूप दीप नैवेद्य से विधिवत उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। फलों का भोग लगावें। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फिर शुद्ध घी का दीपक जलावें। भगवान का ध्यान करके उनकी कर्पूर से आरती उतारें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। पूरे दिन भगवान का भजन व कीर्तन करें। साथ ही दान इस दिन अवश्य करें। संध्या के समय दीप दान के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन प्रातःकाल यानी द्वादशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जरूरतमंदों को भोजन करावें और दान देकर के उनको विदा करें। इस प्रकार से इसकी पूजा विधि संपन्न हुई। तो इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और जो मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती है। तो कथा इस प्रकार से है।
कि नेमिषारण्य तीर्थ में तपोभूमि में 88,000 ऋषि मुनियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म्य के तथ्य को जानने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति महात्मा आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेघ यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तो युधिष्ठिर ने उस समय पूछा था कि हे भगवान, पुण्यमय एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका महात्म्य और विधि विधान क्या होता है, इसको करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, कृपा करके बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य राज हुआ था। वह दैत्य मूर नाम से प्रसिद्ध था। वह बड़ा ही क्रूर रौद्र स्वरूप वाला था तथा अत्यंत शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का घोर शत्रु था। उस भयानक और शक्तिशाली दैत्य राज ने इंद्र, आदित्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया था। देवगण भयभीत होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तभी देवेंद्र सहित सभी देवगण एकत्रित होकर के देवादिदेव महादेव जी के पास शिव धाम में पहुंचते हैं। वहां इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी से प्रार्थना की और अपने दुखों का कारण बताया। इंद्र बोले कि हे महादेव, हम सब देवों को मार करके मूर नामक बलशाली राक्षस ने देवलोक से निकाल करके अपना आधिपत्य वहाँ जमा लिया है। हम सभी मृत्यु लोक में दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान महादेव जी ने उन्हें इस संसार के स्वामी भगवान विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी और कहा कि दैत्य मूर का अंत भगवान विष्णु जी की शक्ति से ही संभव हो सकेगा। यह सुनकर के देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवगण भगवान महादेव जी के आदेश के अनुसार पाताल लोक में चले गए। वहां पर शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करता देख करके देवताओं सहित इंद्र ने विनम्रता से स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। आप स्तुति योग्य हैं। आपको हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। समस्त देवगण आदि दैत्यों से त्रस्त हो गए हैं और सभी भयभीत होकर के हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों की करुण वाणी से द्रवित होकर के विष्णु भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, यह कैसा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ पर है? तो भगवान की अमृत तुल्य मीठी वाणी सुनकर के इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, प्राचीन समय में तालजंग नाम का एक राक्षस हुआ था। उसी का दैत्य पुत्र मूर के नाम से विख्यात हुआ है, जो चंद्रावती नगरी में रहता है। अपने बल प्रताप से भूमंडल से सभी देवताओं को परास्त करके देवलोक की को जीत करके उसने हमको वहां से भी निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है और अपने ही कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर के धरती को गर्मी प्रदान करता है और बादल बनकर के जल की बारिश करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली व भयानक दैत्य मूर को मार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। तो यह सुनकर के भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही क्रोध आया और बोले कि हे देवगण, आप धीरज धारण करें। मैं अति शीघ्र तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करके आप सबकी रक्षा करूंगा। आप सब शीघ्र ही अपनी सेना के साथ चंद्रावती नगरी में चलिए। स्वयं भगवान विष्णु जी भी आगे आगे चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। वहां दैत्यराज मूर अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गर्जना कर रहा था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को परास्त कर दिया। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए थे।
तब भगवान विष्णु जी को युद्ध भूमि में देख करके राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों और चक्र के भीषण प्रहार से दानवों पर आक्रमण कर दिया, जिससे राक्षस मूर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान विष्णु ने असंख्य राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। यह देख करके दैत्यराज मूर भगवान विष्णु जी की ओर लड़ने को आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह सुनकर के भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दैत्य मूर भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। वह जितने भी बाण प्रहार भगवान पर फेंकता था, वे सब के सब तेज प्रताप के पुष्प में बदल करके गिर जाते थे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से दैत्य मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किया था, वे सभी उस दैत्य के तेज से कुंठित होकर के नष्ट हो जाते थे। इसके बाद भगवान विष्णु जी के सर्प रूपी बाणों और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करके दैत्य मूर पराजित नहीं हो पाया था, परंतु भगवान के बाणों और शस्त्रों से दैत्य मूर का शरीर घावों से छलनी छलनी हो गया था। जब दिव्य शस्त्रों से भी भगवान उस दैत्य मूर को नहीं जीत सके, तब परिग के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु वे उस दैत्य को नहीं जीत पाए थे। अंत में भगवान विष्णु थक करके विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने सिम्हावली नामक गुफा में शयन करने की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा बहुत ही लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह घायल दैत्य मूर भगवान विष्णु जी का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम में जा पहुंचा। उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु को वहां विश्राम करता देख करके उस दुर्बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैंने इस समय अपने चीर शत्रु को मार डाला तो सदैव ही निर्भय होकर के त्रिलोक में राज्य करूंगा। उसके इस प्रकार का विचार के क्षणों में सुप्त अवस्था में भगवान के शरीर के तेज से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी शक्ति संपन्ना एक कन्या प्रकट हो गई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मूर को युद्ध करने के लिए ललकारा। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देख करके आश्चर्यचकित होकर के उससे युद्ध करने लगा। उस शक्ति संपन्ना एवं पराक्रमी देवी कन्या ने क्रोधित होकर के दैत्य मूर के रथ को नष्ट कर दिया, अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसको निरस्त्र बना दिया। उस देवी कन्या ने उसे धक्का दे करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद वक्षः पर पैर रख करके तलवार को से वार करके उसका सिर काट दिया। दैत्य मूर सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो सब सेनापति दैत्य मूर को मरा जान करके सब दानव पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु जी की निंद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मूर के कटे हुए सिर को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और विचार करने लगे, इस दैत्य का वध किसने कर दिया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी वहां देखा। वह कन्या भगवान विष्णु जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा है और तुम कौन हो। तब कन्या कहने लगी कि हे देवेश्वर, मैं आपकी देह से ही उत्पन्न हुई हूँ। मैंने ही इस दैत्य राज को मार डाला है, क्योंकि यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर के भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे कल्याणी, तुमने इसे मार करके देवताओं का महान उपकार किया है और सभी देवों की रक्षा की है, अतः मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हें वैसा ही वर प्रदान करूँगा जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। वह कन्या प्रसन्न होकर के बोली कि हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करेंगे उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उसके पिछले समस्त पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास करने वाले निश्चित रूप से धर्म धन धान्य से भरपूर सुखी तथा समृद्ध बने रहें और सांसारिक सुख को भोगते रहें। अंत समय में वे मुक्ति को प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर लें। तो कन्या के वचन सुनकर के भगवान विष्णु जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि प्राप्त करेंगे, मरणोपरांत विष्णु धाम को चले जाएंगे। हे पुत्री, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें एकादशी के नाम से ही तीनों लोकों में जाना जाएगा और तेरा उपवास का फल सब तीर्थों से अधिक होगा। यह सब कर कह करके भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। कन्या उत्पन्ना एकादशी भी प्रभु के वचनों से बहुत ही संतुष्ट व प्रसन्न हो गई। भगवान कृष्ण ने आगे युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी का व्रत का फल जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। सब तीर्थों से अधिक फल एकादशी व्रत का फल और उपवास का होता है। एकादशी व्रत और उपवासधारी के सब शत्रु भाग जाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उस पर आने वाले दुख विपत्तियों एवं बाधाओं को मैं स्वयं दूर और निर्मूल कर देता हूँ। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति, उसके व्रत और उपवास से मिलने वाले पुण्य लाभ के बारे में सब विस्तार बतलाया है। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है। एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ दे करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करके पूजन अर्चन करना चाहिए। और इस विवरण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक करने से श्रद्धालुओं को समस्त वैभवों की और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और सहज ही धन धान्य प्राप्त कर लेता है। एकादशी महात्म का श्रवण पठन और उच्चारण करने वाले भक्तों के समस्त सांसारिक कष्ट दूर होते हैं और वे सदैव ही अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करते रहते हैं। वे इस मृत्युलोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत समय में मोक्ष निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। इसमें फलाहार का विधान है। इसमें गुड़ और बादाम का सागर लिया जाता है। इसमें दूध मेवा फल आदि ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।